और भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 4-5 दिन तो हो गए हैं वीडियोस नहीं चढ़ी, और जो चढ़ी थी कि वो भी अच्छी नहीं हुई। तो सैटरडे संडे को बेसिकली मेरा काम होता है, तो मैं आई कॉन्ट गो इनटू माय वर्क एंड ट्राई एंड अपलोड अ वीडियो, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ होता है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ होता है। सैटरडे एंड संडे तो चलो ऐसे गुजर गया। मंडे आई हैड एन असाइनमेंट, मेरी क्योंकि यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है तो मेरे लिए असाइनमेंट्स करना भी ज़रूरी है टू गेट गुड ग्रेड्स फॉर द फ्यूचर, या जो कुछ भी है, क्योंकि इंजीनियरिंग है, आखिरी साल है, तो असाइनमेंट्स भी वो धड़ाधड़ दे रहे हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी है जिसके बारे में मैंने इतना कुछ नहीं किया, तो इसलिए मेरा जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं वो अच्छी चल रही थी पहले, क्योंकि मेरे व्यूज़ अच्छे आने शुरू हो गए थे, बट देन ऑल ऑफ अ सडन सारी चीज़ें गिर गई। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ों को एक एक करके करूँ, बट उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए क्या नाम है, आपका डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि चीज़ें मेरे में बिल्कुल नहीं है। मतलब कि मैं बहुत सुस्त हूँ, बहुत। और क्या नाम है, ये YouTube चैनल जो शुरू किया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये मम्मा ने शुरू किया था, और मम्मा चाहती हैं कि मेरा बेटा यूट्यूबर बने, कामयाब हो, और आगे जा तरक्की करे, जैसे कि हर माँ की ख्वाहिश होती है अपने अपने बच्चे के बारे में, तो मेरी माँ की भी है। तो बीच में सुस्ती आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, और बंदे की मोटिवेशन मतलब कि थोड़ा नीचे चल जाती है यकदम से ही। तो मेरा कुछ गोल्स अब ये हैं कि यूट्यूब में कंसिस्टेंसी रखना, अपने आप को रूटीन में रखना, मतलब कि सुबह उठ के ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, मतलब कि हर काम का एक टाइम होना चाहिए, मतलब कि हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए, मतलब कि इस टाइम पे हमजा वीडियोस बनाएगा, इस टाइम पे हमजा अपना यूनिवर्सिटी का काम करेगा, इस टाइम पे हमजा काम पे जाएगा, मगर काम पे जब जाएगा उससे पहले उसके पास सैटरडे संडे के लिए कंटेंट मौजूद होना चाहिए जो कि वो जाने से पहले अपलोड कर सकता है। मतलब कि अभी भी मैं कुछ खास नहीं कर रहा, मैं अभी भी अपनी असाइनमेंट ही खोल के बैठा हूँ जो कि ड्यू है 2-3 दिनों में, और अभी भी मुझे इसके 1500 वर्ड्स लिखने हैं ऑन सम आईटी कोर्स के, मैंने क्या सीखा, ये सारी चीज़ें। यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर कोई हाल नहीं, क्योंकि क्या नाम, पहले 2-2.5 महीने यूनिवर्सिटी बंद रही है, और क्या नाम है, उनकी वेबसाइट भी नहीं थी चल रही, और फिर ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने हमारे पे ये बर्डन डाल दिया कि भाई यूनि भी खुल गया, तुमने ये सारी चीज़ें करनी, अगर नहीं करनी तो बेटा तुम फारिग हो, मतलब कि तुम फारिग हो। मैं वैसे ही फारिग हूँ हर लिहाज से, मतलब कि ये इस चीज़ में मैंने मेहनत की है, मैं यूनि के आखिरी साल तक मैं, और मेरा खुदा जानता है, मेरी माँ जानती है मैं कैसे आया हूँ, तो इस चीज़ को तो मैं फेल नहीं कर रहा ऐसे। तो ये काम करना भी बहुत ज़रूरी है, अगर इम्तिहान है एक डायनामिक्स का जो कि फिज़िक्स है, सुबह 9 बजे से इम्तिहान होना 12-12.5 बजे के बाद, तो कल देखूंगा कि मैं 12:30 बजे के बाद क्या बना सकता हूँ, फिर सैटरडे संडे का भी कंटेंट शूट करना है, ताकि अब से ये मैं चीज़ें ख़त्म कर दूं, क्योंकि अगर मेरी माँ चाहती है कि मैं भी कामयाब हूँ तो वो भी मेरे अच्छे के लिए चाहती है, कोई माँ अपने बच्चे के लिए बुरा तो सोचती नहीं है, अगर ना माँ बाप से कोई गलती भी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो उनकी नीयतन नहीं होती, उनकी नीयत हमेशा साफ़ होती है, तो अगर मेरी माँ भी चाहती है तो आई थिंक मी एज अ बॉय एज अ पर्सन आई थिंक आई शुड थिंक फ्रॉम हर परस्पेक्टिव एज वेल, अपनी माँ की परस्पेक्टिव से भी अगर मैं सोचूँ तो फिर काफ़ी कुछ मेक सेंस करेगा, और मैंने सोचा है शी इज़ राइट, शी इज़ एक्वर्ड। तो इसलिए मुझे लोगों की सपोर्ट तो बहुत मिलती है, मतलब कि वीडियो ना अपलोड हो तो मैसेज आते हैं, आप ठीक हो, आपने वीडियो नहीं अपलोड की, क्या बात है, ये वो वगैरह, तो ये चीज़ बहुत हम्बलिंग है क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं। बहरहाल इसलिए तो मुझे तो बहुत सारे लोग पुश कर रहे हैं, तो तो एनीवे उसके अलावा मैं कल बैठा हुआ था, लैपटॉप ऑर्डर कर रहा था मैं, तो लैपटॉप ही नहीं था ऑर्डर हो रहा, मेरे अकाउंट से पैसे नहीं थे जा रहे, तो फिर मैं उनके साथ कोई 4-5 घंटे फ़ोन पे लगा रहा हूँ कि भाई हमारे पैसे नहीं जा रहे हैं, हमने तो लैपटॉप लेना है,
तो फिर कल मैंने ऐसा लैपटॉप लिया कि उसने मेरे बैंक अकाउंट का तो आधा करके फेंक दिया, मतलब कि आधा हो गया। तो इसलिए आने वाले फ्यूचर में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, तो इंशाल्लाह ताला बने रहिए, और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो इसीलिए लाइक भी करें, शेयर भी करें, फॉलो भी करें। सो डू दैट। ओके, अस्सलाम वालेकुम।